नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित में आज निर्देशांक ज्यामिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष इन चैप्टर से 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज समझने के लिए उसका कुछ नियम यानी सूत्र फॉर्मूला रहता है, तो पहले उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देखे होंगे प्रश्न में ऐसे दिया रहता है, जैसे कि -2, 3, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भुज है या इनमें से कौन कोटि है, या इसका पूछ लेगा कि x निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न मतलब इनमें से कौन से चतुर्थांश में आते हैं, कौन से पद में आते हैं, कौन से पाद में आता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सभी को समझना पड़ेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, यह है आपका एक्स निर्देशांक और यह है आपका वाई निर्देशांक। तो यहां पर जैसे कि आप ले लीजिए 3, -2, तो इसमें आपको पहला वाला जो होगा यह होता है आपका x निर्देशांक और दूसरा जो होता है y निर्देशांक। तो पहले वाले को कहा जाता है भुज, पहले वाले को क्या कहा जाता है भुज, और दूसरे वाले को कहा जाता है कोटि। दूसरे वाले को क्या कहा जाता है कोटि, याद रखिए, यानी कि इसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह जो y निर्देशांक है और यह जो x निर्देशांक है, यानी कि समझिए ये x हो गया और ये y हो गया। तो ये जो x है इसको क्या कहा जाता है भुज, और इसको क्या कहा जाता है कोटि। याद रखिए, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो अब यहां पर देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या है, तो प्लस प्लस है। फिर द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, माइनस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस है। तृतीय में क्या है, माइनस माइनस है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, तो प्लस माइनस है। तो इसे याद रखिए। देखिए आप यहां पर अच्छे से समझ जाइएगा, ये हो गया आपका पहला, तो पहला में क्या है प्लस प्लस, दूसरा में क्या है आपका माइनस प्लस, तीसरा में क्या है माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या है, चौथा में क्या है प्लस माइनस। तो आइए इन आधार पर प्रश्न को ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि क्या है पहले, तो आप एक बार यहां पर ध्यान में रखने के लिए सूत्र को लिख लेते हैं। तो पहला क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा क्या आता है माइनस माइनस, और चौथा क्या आता है प्लस माइनस। तो देखिए, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। तो देखिए यहां पे क्या है -4, 3 है, यानी कि प्लस में है, -4 और +3 यानी कि माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस कहां जाएगा आपका द्वितीय, ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में है या द्वितीय पाद में है। अब देखिए ये माइनस माइनस है, तो ये जो माइनस माइनस है किस में आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश या तीसरा पाद में है। यहां पे देख रहे आप प्लस प्लस है, तो ये पहले में आ जाएगा, ये पहले में पहला चतुर्थांश में आ जाएगा। या फिर माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कहां आता है आपका दूसरा में, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि दूसरा चतुर्थांश में है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर आ गया आपका, देखिए अभी आपको जस्ट बताए हैं कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है। तो हम बताए थे कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है भुज, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका कि y x का समीकरण है। अगर y x का समीकरण पूछे तो इसका उल्टा कर दीजिए, x x बराबर हो जाएगा आपका जीरो,
वाई एक्स का समीकरण पूछे तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, और अगर एक्स एक्स का समीकरण पूछे तो हो जाएगा आपका वाई बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों प्रश्न यहां पर है, यहां पे पूछा गया है वाई एक्स का समीकरण है तो एक्स बराबर जीरो, और एक्स एक्स का समीकरण है तो वाई बराबर जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा से उल्टा हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि दोस्तों बताए हैं कि पीछे वाला होता है, ये भुज होता है, तो मतलब दूसरा वाला क्या होता है कोटि, तो क्या हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, बिंदु 4-3 किस पाद में है। बिंदु 4-3 किस पाद में है, यानी कि दोनों क्या है प्लस प्लस में है, दोनों प्लस प्लस में है, तो प्रथम आ जाएगा प्रथम पाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम पाद। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूर उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो एक्स एक्स से दूर उस बिंदु, यानी कि दूर जो उस बिंदु है, यानी कि क्या हो जाएगा तब ये कोटि। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि पहला एक्स एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई एक्स होता है, तो इससे उस दूर बिंदु तो यही है, तो क्या हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भुज। तो अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर था कोटि। अगला प्रश्न है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि दोस्तों होता है दूसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और अगर पूछता भुज तो 8 हो जाता। अगला प्रश्न है, बिंदुएं -4-3 किस चतुर्थांश में है। तो -4 और 3 है, यानी कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो ये किस में आ जाएगा दूसरा में आ जाएगा, माइनस प्लस किस में आता है दूसरा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फिर बिंदु 2√3-2 किस पाद में आएगा। तो क्या है प्लस माइनस, तो चतुर्थ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थ में, प्लस माइनस चतुर्थ में आता है। देखिए एक बार याद कर लीजिए, ये पहला होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है प्लस माइनस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, तो क्या आ जाएगा चतुर्थ, यानी कि चौथा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, माइनस माइनस दोनों दिखाई दे रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि माइनस माइनस किस में होता है तृतीय पाद में होता है, ना कि तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल बिंदु नियमांक कौन है। मूल बिंदु के नियमांक कौन है, तो मूल बिंदु के नियमांक होता है 0.0। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, एक्स बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, यह सरल रेखा वाई एक्स के समांतर होगा। यह क्या होगा वाई एक्स के समांतर होगा। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि ये आपने क्या बनाए ग्राफ बनाए, तो -5 मान लिया जाए यहाँ है, आप सभी जानते हैं कि ये एक्स होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, और ये वाई होता है। तो मान लिया जाए कि -1, -2, -5 यहाँ 5 हो गया, तो ये जो ऊपर जाएगा तो किसके समांतर जा रहा है, ये वाई के समांतर न जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ये वाई के समांतर है, तो क्या हो जाएगा ये आपका वाई के समांतर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, वाई के समांतर है। अगला प्रश्न है, बिंदु -3-5 किस
पाद में स्थित है। तो माइनस माइनस सभी जानते हैं, आप सभी बहुत अच्छे से याद रहेगा, तृतीय पाद में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है बिंदु 6-5 का एक्स निर्देशांक एक्स नियमांक है। तो एक्स नियमांक, तो दोस्तों आप सभी को पहले ही शुरू में ही बता दिए हैं कि एक्स नियमांक को क्या कहते हैं, भुज, और क्या होता है, पहला वाला होता है। क्या होता है? पहला वाला होता है, पहला वाला आप सभी को बता दिए हैं कि एक्स पहले होता है, वाई दूसरा होता है। इसको भुज बोला जाता है, इसको कोटि बोला जाता है, इसको एक्स नियमांक बोला जाता है या एक्स निर्देशांक बोला जाता है, इसको वाई नियमांक बोला जाएगा या कोटि बोला जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है एक्स नियमांक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। सूत्र पूछा गया है दोस्तों, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु 6-5 का भुज है। दोस्तों भुज पूछा गया है, तो पहला वाला यानी कि 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 6। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये पहले वाले को भुज कहा जाता है, यह एक्स नियमांक कहा जाता है, यह एक्स निर्देशांक कहा जाता है, दूसरे वाले को कोटि कहा जाता है, वाई नियमांक कहा जाता है या वाई निर्देशांक कहा जाता है। तो हमको पूछा क्या है, भुज, तो भुज पहला वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु ए -6, -5/2 किस पाद में है। तो दोनों माइनस माइनस है, तो तृतीय पाद में हो जाएगा, तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद होगा इसका, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में, तृतीय पाद होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु -6, -10 का कोटि पूछा है, कोटि, तो कोटि पूछा है, तो कोटि होता है दूसरा वाला और भुज होता है पहला वाला। तो भुज अगर पूछता तो -6 होता और कोटि पूछा है तो 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 कोटि 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदु है -6-7 का कोटि, तो फिर कोटि पूछा है दोस्तों, कोटि तो आप सभी जानते हैं कि वाई को कहता है, इधर वाई रहता है, लेकिन दूसरा वाला कोटि, तो -7 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, एक्स एक्स का समीकरण है, तो एक्स एक्स का समीकरण उल्टा हो जाएगा इसका, वाई बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिंदु -12-18 का भुज, तो भुज पहला वाला होता है, -12, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।